अबे ये वाली वीडियो देखते हैं यार, SATUL की। जोकर भाई क्या है ये सब? क्या ये सब? ऑलराइट, सो आज है वैलेंटाइन डे और आज हम ला रहे हैं आपके लिए स्पेशल वीडियो। चार हमारे सख्त और सिंगल लौंडे करेंगे एक। सख्त लौंडा दिखाता हूँ एक अभी तुम लोगों को, रुकना बस दो दो सेकंड रुको, ठीक है? चलो ये तो बाय बर्थ ही ऐसे हैं, इनको तो जाने ये तो ट्यूनिंग ही खराब है थोड़ी सी। इसके अगला वाला दिखाता हूँ, सख्त लौंडा। अरे सख्त और सिंगल लौंडे ऐसे होते हैं, मुंह पे मुंह में गुलाब दाब के रहने वाले लौंडे ये, सकते हैं। करेंगे लास्ट वाला देखा करें गुब्बारे से खेलने मिल रहा है। करेंगे एक मॉडल को इंप्रेस। मॉडल कहां से आई है क्या आपको पता है? दो हजार बीस मार्च में पहली बार हमने अपने SATUL गेमिंग हाउस बूट कैंप में कदम रखा था, पहली बार 2020 मार्च में। तब से लेके आज तक, ये मार्च स्टार्ट हो गया, 15 दिन में 4 साल हो जाएंगे बूट कैंप सेटअप को। बहुत बार घर गया, बहुत बार गेमिंग हाउस वापस आया। घर जाना हमेशा अच्छा लगता था, ये पहली बार थी, पहली बार जो मैं ये घर गया हूं अपने, और मैंने रिग्रेट किया है कि मैं घर पे क्यों था पहली बार। कहां से आई है? युगांडा से। ₹32,000 क्या हमारे चार सिंगल लौंडे कर पाएंगे एक मॉडल को इंप्रेस? आइए देखते हैं हमारे पहले राउंड से जो कि है डेट रिव्यू। सो गाइस देखते हैं कौन कितना भी तैयारी कर चुका है। टाइम जा रहा। ओह भाई इससे इंप्रेस करेगा तुझ? ये क्या कर रहा है? कैसा आदमी है बे, उसके सामने मत कर दियो ये वाले एक्शन। अभी अभी टाइम है ना, अभी थोड़ी देर हो रहा है। ये क्या है? ये रोलेक्स मंगाया तूने? इतनी महंगी रोलेक्स? ये देखो बंदा ठग भाई की गाड़ी, पोर्श की चाबी यहाँ पे लेकर आया है। ये भी ठग भाई का ठग भाई, देख लो भाई तुम्हारी ठग क्या कर रहा है। ये क्या कार्ड और नंबर चुपाओ नंबर सड़ी का सारा, मतलब स्किल जाए भाड़ में। मैं वो गड्डी लैम्बर्गिनी पीले रंग दी पूरा, बिल्कुल अमन ने वही चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। नारियल पानी क्यों है? वही मैं बोल रहा हूँ, नहीं अच्छा अपने को क्या, अपने तो पानी निकालने से मतलब है। क्या ये क्या बोला है और ये डला क्यों है वीडियो में? भाई ये मैंने अपने हाथ से बनाया। हाँ माँ कसम, हाथ से बनाया। अच्छा हाथ से बनाया। प्रिपरेशन तो है, इधर लाइटें लगी। प्रिपरेशन तो है लौंडे। अभी क्या हनीमून है या क्या? 45 पे क्या वैलेंटाइन डे बना रहा? ओह आ गई मॉडल जी, आप रेडी नहीं हुए? अरे वो होते गुबाई। अरे बस बना ये, मतलब अब तक का चारों का सेटअप रेवल का रेडी नहीं हुआ है तो मैं अभी आपको कुछ बता नहीं सकता, बट आई रियली लव इट। मतलब जैसे जैसे आपने मतलब स्वागत के लिए जैसे कि आपने देखा कि चारों लौंडे सख्त सिंगल एकदम रेडी हो चुके हैं, हमारी मॉडल को, हमारी नहीं मतलब जो बुलाया है, वो मॉडल जुड़ बोल रहा है। दिखाते चार हमारे सिंगल लड़कों ने आपके लिए एक बहुत क्यूट क्यूट सेटअप बनाया, तो आपको रिव्यू करना है एक एक करके, ठीक है? एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। दैट इज योर फर्स्ट सेटअप। आज तक हमारे लिए तो एक टॉफी तक नहीं लाया, माफी। आई लाइक जो वी माइंड जो लिखा है ऊपर, रोमांटिक। बाकी कैन आई टच? या या यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। यू कैन ड्रिंक आल्सो। चॉकलेट भी आपके लिए। व्हाट इज दिस? अच्छा क्रैनबेरी जूस फ्रेश। सम चॉकलेट। अच्छा चॉकलेट्स है, जूस है, मतलब प्रॉपर। एंड ही रोड। यार एक सवाल है, अभी जस्ट जब मैडम ने वो बोला बी माइन वाला अच्छा लगा, ठीक है अच्छा है, थोड़ा है मैम का नूर है,
जैसे म्यूजिक वीडियोस बनती हैं, गाने की वीडियोस बनती हैं, उसमें मैं देखता हूँ लड़के सब सेटअप करते हैं प्यारा प्यारा सा, क्यूट कैंडल लाइट। यार यार हम लड़कों के लिए यार कभी यार ऐसा कोई वीडियो उभरा क्यों नहीं यार, कोई आज तक नहीं दिखा मेरे को लड़कों के लिए यार, मतलब खैर जाने तो यार। कैसा लगा आपको पहला सेटअप? काफ़ी अच्छा लगा है। आई लाइक द रोजेज, द बी माइन, आई लाइक द सेटअप, इट्स क्यूट, इट्स रोमांटिक। पहले सारे सेटअप देख लेती हूँ, उसके बाद मैं रेटिंग देती हूँ। डन, ठीक है। प्रियंका जी अंदर जाइए, आपका सेकंड सेटअप है। ओहो वाओ, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा सजाया है ना। रोजेज ऑन द ग्राउंड। क्या बात है, ये क्या था भाई? उनका क्यूट तो है, तो जो उनका साइड फेस आया ना, वो स्लोली स्लोली देखने में अच्छा लगा हमको। This is romantic. This is romantic. Yeah. Akshu. I love the lights and the candles. और ये अच्छा, तो आपको क्या क्या इसमें अच्छा लगा बताओ? मुझे ये फ्रूट वाइन बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा वही अच्छा लगा, आपकी नजर उधर है, फ्रूट वाइन है। बाकी जिसने ही बनाया प्रॉपर एकदम यू नो क्या वेलकम किया है यार, मतलब रेड कार्पेट रेड रोज वेलकम। सबसे ज्यादा मुझे वो अच्छा लगा, व्हेन आई एम लाइक वॉकिंग ऑन द रोजेस एंड गेटिंग टू माय वैलेंटाइन डेट। सो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सेटअप पे। गोल्डी भाई का कवर। गोल्डी भाई आपके पीठ पीछे यहाँ पे ये सब हो रहा है आपके सेटअप पे। मन मैन का। इसको भी सिखाएगा क्या खेलना? नारियल क्यों है भाई? अपने को क्या, अपने तो पानी निकालने से मतलब है। दो है, भूल गए कोई लगता है कुछ तो। बहुत सामान भूल गए भाई, अपना मोबाइल भूल गए। ओ ये तो पक्का गेमर होगा। ही इज अ गेमर, ही इज अ बीजीएमआई प्लेयर। ये देखो क्या रखा है, वाह ये अच्छे से। ओ अपना कार छोड़ के गया है, मतलब आई कैन गो फॉर शॉपिंग। ही गॉट पोर्शे एज वेल। ओ वाओ, मतलब ये मेरे लिए है कि आपको घुमाने के लिए? वो इस गाड़ी में आपको कॉफी पिलाने लेके जाएगा, डेट पे लेके जाएगा। मुझे लगा मुझे गिफ्ट कर रहा है ये। गिफ्ट भी कर सकता है क्या? हाँ। पता आप मतलब बात करो तो हो जाए वो भी। ऑल द संदर नारियल वाओ। आई लव द नारियल बिकॉज़ लेट्स जस्ट से आई एम अ लिटिल बिट डाइट कॉन्शियस एंड नारियल पानी वुड बी गुड क्योंकि डिटॉक्स हो जाएगा थोड़ा। अभी आपकी वार्तालाप भी होगी, इनसे बातचीत भी होगी। जो लौंडे वहां पे बी माइन फ्रूट वाइन लहसुन सब मेहनत कर रहे हैं, उनको नारियल चाहिए था। वेलकम भैया जी। ओ भाई ये किसका है? ओ ये तो रेबेल वाला है। क्या बात है, वाओ यार। ओ एक गिफ्ट भी रखा है मेरे लिए। ही इज वेरी रोमांटिक गाय, सो यू कैन सी गिफ्ट, यू कैन ओपन द गिफ्ट। हां कैन ओपन, ओके। ओ वाओ, वन सेकंड, ही पुट माय पिक्चर्स आल्सो, क्यूट, कैन यू सी? अच्छा उनका ही डाला है फोटो। कॉलेज डेज की याद दिला दी यार, ऐसे ही एफर्ट लेते थे यार। My picture. Wow. Okay. I love this. The effort. Yes. Effort. Let me check what's inside this. Teddy bear. उस पे कुछ लिखा है? Oh. I love you. प्यार भी हो गया. See, I told you very romantic. थोड़ा जल्दी हो गया, लेकिन ये क्या लेटर भी है क्या यहाँ पर? लेटर भी खोलना, उसमें भी कुछ लिखा है। आई कुड वॉच नेटफ्लिक्स विद यू फॉरएवर। ओ आई हैव द बेस्ट मूवी चॉइसेस अक्रॉस ऑल ओटीटी। इनको बता दे कोई प्लीज।
I like it. Oh yeah? Yes, I do. उसने हाथ से बनाया by the way, मेरे सामने ही बना रहा था. Oh wow. एक और सिप लेती हूँ फिर मैं. वर्ल्ड का बेस्ट रूह अफजा बनाना जानता हूँ मैं. वर्ल्ड का बेस्ट रूह अफजा. नशे भी नहीं होते उससे. मैं उसमें प्यार ऐसा डालता हूँ मैं, उससे हो जाते हैं. और ये मछली मैं उससे बात कर रहा था कि हाँ. ये क्या है फिश टैंक, तो उसने बोला था कि इसका नाम उसने प्रियंका रखा है. कौन सा मछली का नाम प्रियंका रखा है? ये वाली अच्छा, ये सबसे सबसे बड़ी वाली प्रियंका नाम रखा है और उसे मछली बहुत. अश्वत्थामा की बेचारा हमारा अश्वत्थामा क्या बेचारे को दिन देखना पड़ रहा है. वीडियो के चक्कर में नामकरण हो गया, उसका नाम ही बदल दिया बेचारा. उसकी फेवरेट मछली है, बहुत प्यार करता है इससे वो. अच्छा, और वो सबसे सुंदर वाली है. हाँ, सुंदर वाली है. वाओ, मतलब मुझे भी मछलियाँ बहुत पसंद है. क्या बात है. ऑलराइट, सो वो घड़ी ज़ेरेफ आ चुके जहाँ पर प्रियंका जी डिसाइड करेंगे और हमें बताएंगे कि रैंक सबसे अच्छा किसका है. सारे अच्छे लगे बट okay. उनमें से मेरे थोड़े फेवरेट थे जो मैं आपको बताना चाहूंगी. सो लीस्ट फेवरेट कौन सा था, सबसे लास्ट वाला? जिस जहाँ पे लिखा था बी माइन. मतलब बोलने माफिया मेरी जान बी माइन पूछा भी नहीं कि मतलब होना है कि नहीं. और तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर लेट मी गेस माफिया आउट. तीसरे नंबर पर मुझे लगता है अक्षु तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गुलाब ज्यादा फैलाए थे उसने. लेकिन उसको नारियल बहुत पसंद आया गया था, मुझे लगता है अक्षु ही होगा. जिन्होंने मेरे लिए वो रेड कार्पेट बिछाई थी, रोज वाला, वो पूरा ठीक है, वो हमने थर्ड फ्लोर पे देखा था. राइट, सो वो वाले को हम देते हैं थर्ड रैंक. सो अब आते हैं हमारे विनर पे. अब आप सेकंड फर्स्ट नहीं, डायरेक्ट फर्स्ट विनर बताओ मैं आपको. सबसे अच्छा सेटअप किसका लगा? क्यों दो बचा हुआ है, एक पोर्शा वाला और एक ये आपके फोटो वाला. हाँ, मैं अगर लड़की होता तो मैं तो ओके मतलब मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा, बट लेट्स जस्ट से आई डोंट वांट टू बी मटेरियलिस्टिक एंड आई लाइक दैट टू. आई मीन व्हिच गर्ल वुडंट लाइक दैट? एग्जैक्टली. कुड़ी के दीवे भी फैला जगवार ले लो, फिर जिन्ना मर्जी भी और ले लो. But I like the efforts of where we are right now. जिन्होंने मेरी अच्छे अच्छे फोटोज सोच के मेरे बारे में उसने अच्छा सा क्यूट कोलाज जो बनाया है. I think that would be the winner. मेरी जान रवे. गाड़ी वाड़ी पैसा ऐसा ठीक है, एक हद तक अच्छा लगता है, लेकिन एफर्ट जो काम आते हैं ना वो कहीं काम नहीं आते. ये बी माइन तो याद ही रहेगा मेरे को, वो जो भी है उससे बात करेंगे हम. आप पूछना के डायरेक्टली तू क्या लिखा भाई? यार मैं क्यों था घर पे? सेकंड राउंड की तरफ मैं क्यों नहीं था मुंबई? जी प्रियंका जी, इस राउंड में पूछने वाली है थोड़े इंपॉर्टेंट सवाल हमारे चारों सिंगल्स. आई एम एक्साइटेड फॉर दिस, आर यू? I'm very excited. चलो बुलाते हैं प्रियंका जी को और हमारे सिंगल चार लॉन्डो को. लेट्स गो. ठीक है, ये लीजिए, ये आपके लिए. ओ सूट, सूट वूट. फ्रॉम मेरी तरफ से. हाय अमन. हाय, आपका एक्चुअली मेरे को नाम पता नहीं है, प्रियंका नाम है बस इतना. हाँ जी. तो आप लाइक क्या करते हैं बेसिकली आप? मैं आई एम अ मॉडल एंड एन एक्ट्रेस बाय प्रोफेशन एंड आई एम आल्सो टैरो रीडर. डू यू नो एनीथिंग अबाउट टैरो? कैरम? टैरो. कैरम कैसा है यार? बिल्कुल नहीं, मेरे को कैरम सुना दिया ना. कैरम का कोई लीडर होता है? आज पता चला. कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ? सो आई एम माफिया एंड माय नेम इज मुकुल एंड आई एम फ्रॉम पंजाब, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब एंड आई एम 28 इयर्स ओल्ड. Punjabi. I love Punjabi food. I'm a gamer, esports player tha, and I'm thoda sa introvert type person. Main thoda sa introvert hu, esports player tha. Kaise karenge yaar, sikhana padega yaar Londo ko. Much of extrovert. Okay. What about you? I am introvert, you can say, just like you. Okay. Achha. About myself, I am rebel and I'm a gamer. I just love enjoying my life. क्या बताऊँ, मतलब मैं तो gamer हूँ, शुरुआत से game में खेलता था. हाँ. And gaming मेरा passion है basically. And
और तो कुछ है नहीं मेरे और तो कुछ है। अच्छा हाँ, आपको सीरीज पसंद है या मूवीज पसंद है? जैसे मैं अकेले मूवीज देखता हूँ, लेकिन कोई साथ में सीरीज दिखाए ना तो सीरीज भी देख सकता हूँ लाइक लंबे टाइम पर। हग दिया कोई भी लाइक हग दिया। कभी भी ये नहीं बोलना है कोई सीरीज दिखाए। लड़कियों को ये पसंद होता है कि आप उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवीज सजेस्ट करो, उनके साथ देखो। बी द वन टू हैव द बेस्ट टीवी सीरीज एंड मूवी का डायरेक्टरी, वो दिखाए आपको, ये नहीं चलता। आपने कोई भी बोल दिया तो मतलब क्या ही बोल दिया। हाँ, let me move on to the next. Night out or night in? Night out या night in? I would like to go on a night out followed by a night in. Bahar jayenge followed by a long drive, and long drive ke baad jab main unko ghar chhodne jaunga, if wo chahe to we can end the night by watching something popcorn ke saath. Main unko ek pyari si coffee bana ke pilaunga. मतलब आपको बाहर जाना ज्यादा पसंद है या घर पे रहना पसंद है? Nightings. Beaches or mountains? Tough one. Beaches, like more. Mountains में रहता हूँ क्योंकि मैं तो थोड़ा बोर हो गया माउंटेन से, तो I'm more like a beach person. Oh, आप कहाँ से हो? हिमाचल. Oh wow, that's interesting. मेरे को माउंटेन्स ज्यादा पसंद है क्योंकि उसमें बहुत फन रहता है, लेकिन अभी तक कोई मिला भाई आपको इतनी नॉलेज है फिर भी सिंगल? यार नॉलेज से क्या फायदा होता है, नॉलेजेबल तो बहुत लोग हैं लेकिन नोबेल प्राइज सबको थोड़ी मिल गया है यार। माउंटेन में किसी के साथ घूमे? आर यू अ कार लवर और अ बाइक लवर? आई एम अ कार लवर बट इट्स विद अ बिट ट्विस्ट। लाइक डू वांट टू नो द ट्विस्ट? ऑफ कोर्स। या सो आई लव कार्स इफ आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद यू. And if you know how to drive, that's very good. So I just love that. So you want me to drive? Yeah, if you know how to. Oh, okay. कितना भी मैं flirty हो जाऊं, कभी भी नहीं दूंगा चलाने. याद रखना दोस्तों. देखिए यहाँ पे किंजल जी हैं, स्नेहा जी हैं और बहुत अदर कन्याएं भी हैं. प्लीज ऑफेंड मत होइएगा. लेकिन ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है. मैंने मेरे पास 2008 से मेरे पास बाइक है. ये मेरा रोड एक्सपीरियंस है. लड़कियों के पास सड़क पे पैर भी खतरनाक चीज है. वो जब पैदल भी रोड क्रॉस करती ना तो भी वो डेंजर है. और स्कूटी जब चलाती है तो बाइक पे ब्रेक मारने से पहले उनके पैर, मतलब समझो, मतलब अगर ये मैं हूं ना, ये मैं हूं तो मैं ऐसे कर, लड़की मैं हूं, मैं ऐसे ब्रेक मारूंगा, ऐसे नहीं, मैं ऐसे ऐसे करके पैर से रोकना चाहो भाई. ये मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई. बहुत खतरा है भाई, बहुत खतरा है. Tell me one of your flaws. पता नहीं, flawless ही हूँ मैं शायद. माते भेकू. Flaws? कौन सा वाला बताऊँ, वही सोच रहा हूँ. One of my flaws that I'm a very over and over caring person. ये मेरा कभी कभी flaw है. Rebel high five on that broski. ये मेरे अंदर भी फ्लॉ है. मैं इतना ज्यादा ओवरली केयरिंग हो जाता हूँ और इतना ज्यादा केयर डंप कर देता हूँ एक साथ कि शायद सामने वाले फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं यार. It's not a flaw, I guess that's... Yeah, but it's like थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता हूँ like in the term of caring, if it comes to caring. एक चीज दिखाता हूँ. रेबेल ने बोला मेरे अंदर फ्लॉ ये है, मैं बहुत ज्यादा ओवर केयरिंग हूँ. फिर एक लौंडा ऐसे देख रहा था, झूठ बोलता है भेड़ा. एक शक्ल दिखाऊंगा बस तुम लोगों को, ठीक है? कि मतलब वो सोच रहा था कि कितना फेंक सकता है कोई देखना. ये भी ये एपिक है. कितना फेंकेगा साला. ओ भाई. आपको सनराइज पसंद है या सनसेट पसंद है? सनराइज. सनसेट. वाओ, मुझे भी वही पसंद है. सनसेट, आज से सनसेट.
आपके साथ तो सनराइज भी देख लेंगे। विंटर्स क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना मतलब देखना ही पड़ेगा भाई, किसी और के साथ सनराइज और किसी और के साथ सनसेट तो देखेगा नहीं। मेरे को थोड़ा कडल्स पसंद है ना, तो इसलिए इट्स लाइक इट्स लाइक आई लाइक को हाथ दबाना भी तो पसंद है भाई थोड़ा ज्यादा। ओके, लव और मनी? लव। इंटरेस्टिंग, आई विल चूज लव क्योंकि मतलब मनी तो हम संभाल लेंगे, लग रहे हो आज प्यार एक ही बार होता है। दैट्स ट्रू। Do you like dogs or cats? Dogs, definitely dogs. But अगर आपको cats पसंद तो I can you know manage with cats too. मेरे को तो humans पसंद हैं। अरे लेकिन अभी dog और cat के बारे में बात। नहीं नहीं वो दोनों पसंद नहीं हैं। Humans तो humans हैं तो humans तो पसंद ही आएंगे ना। मेरे को दोनों ही पसंद नहीं बस ठीक है। कुछ तो पसंद आया होगा। मेरे को ये बाजू में fish tank में है ना वो fish पसंद है। अच्छा fish पसंद है। हाँ। आपके zodiac sign क्या है? ये क्या होता है? अरे sun sign. कोई ड्रिंक है क्या? अरे ओ राशि। अरे यार इसको ऐसे पता है? अरे यार भाई आप क्या अभी से लक्षण मिला रहे क्या कर रहे हैं? मेरे को समझ हाँ मतलब वो अभी जरूरी है ना, पर पहली डेट पे ही आप ऐसा कर रहे हैं मतलब वो थोड़ा सा अजीब लगा। मतलब मैंने तो अभी तक आपको जाना भी नहीं, आपने ही क्वेश्चंस पूछे सारे। तो अगर आप ज़ोडियाक पता करोगे ना हाँ। तो आप इंसान को और जान जाओगे। रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10। अगर मैंने खुद को ही रेट कर लिया तो आप कैसे रेट करेंगे? वो तो आपके प्रेफरेंस पे है ना, आपको कैसा लगता हूं मैं? मतलब खुद के लिए रेट ही नहीं है ना। That's a very difficult question. But now I'm asking you to rank yourself, so you might just have to. Yeah, I'm like a humble guy, so I would rank myself out of 7 out of 10. 7 out of 10? Yeah. Not bad. I like it. 7. Or if I want to handsome, I can see anything. I don't know. I have to take money from the jail. Okay. So, now they have kept Porsche, mobile, card, and they are saying that the money is not coming out. काश इसने हाँ, बोला वो पैसे का ये सारा खेल। पैसे से आप सर्जरी करोगे? नहीं वो क्या? जब पैसे निकल जब निकालना जब हैंडसम बनना होगा तब बन जाएंगे, ऐसा वाला सीन है। व्हाट्स योर बेस्ट फिजिकल फीचर? माय हाइट। ओह नाइस, मतलब आप 6'5"? या ऑलमोस्ट। ओह माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा मेरे लिए। व्हाट्स योर बेस्ट फिजिकल फीचर? मैं पुल अप्स कर सकता हूँ। नहीं मतलब आपका फिजिकल फीचर क्या है सबसे अच्छा? मैं पुल अप्स कर सकता हूँ। आपको जिम में सबसे अच्छा क्या करना आता है? मैं बहुत खूबसूरत हूँ। भाई मेरे को क्या बोला, फिजिकल फीचर क्या होता है? What do you like about yourself or your body? Biceps. Your biceps. मेरा बेस्ट फिजिकल फीचर तोंद। I think my cheeks. Your cheeks? Yeah. मतलब आप चबी हो क्या? नहीं मैं चबी नहीं, पहले चबी था ना मैं, तो अब थोड़ा सा होके तब भी। मतलब आपके cheeks soft है और थोड़े not chubby, not at all chubby. और आप workout करते हो? यार इसमें तो मैं भी मात खा जाता हूँ। थोड़ा बहुत कर लेता हूँ कभी कभी। आज तक डंबल की शक्ल नहीं देखी है साले ने। मतलब when is the last time you worked out? 6 months, 5 months back. What? झूठा भोर। कितना मक्कार हो सकता है? मैं maintain करता हूँ because I eat good food, diet और ये सब, तो I have maintained myself. अच्छा मैंने सुना है आपको oranges पसंद है? आपको किसने बताया? उसकी tension मत लो आप। क्या? मेरे को oranges पसंद है ऐसा fruit? किसने बताया? अच्छा मैंने सुना है आपको oranges पसंद है? What the? किसने बताया? उसकी टेंशन मत लो आप। मेरे को ऑरेंजेस पसंद है ऐसा फ्रूट? वो आप बताओगे? ऑरेंजेस। अच्छा इन लोगों ने प्लांट किया है। फ्रूट्स मेरे को अच्छे लगते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। ऑरेंज की बात कर रही हूँ। हाँ आई लाइक इट। यू लाइक इट? या ओह नाइस। आई हर्ड बाद सम व्हाट्सएप चैट ऑफ योर्स गॉट लीक। कहाँ से सुना आपने? उसका टेंशन मत लो आप बस बताओ। हाँ मतलब हुआ था एक बार, वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बोले? आई एम प्रीटी श्योर यू मैनेज्ड इट वेल। या और मैंने सुना यू लाइक टू बी
पाम मसाज और मैंने सुना है यू लाइक टू गिव अ पाम मसाज नहीं ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है मतलब पाम मसाज मुझे देना नहीं मतलब लेना पसंद है किसने डाला क्वेश्चन मैंने सुना है कि आपको मसाज देने में बहुत पसंद है बट अगर आप बोल रहे हो कि आपको लेना पसंद है हाँ मतलब वो डिपेंड करता है कि तुम गेमर्स है ना तो थोड़ा ऐसा हाथ पैर दुख जाता है बट ऐसा कुछ नहीं है मुझे पसंद नहीं है इट्स नॉट नीडेड अच्छा क्या मैंने सुना है वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर हो ऐसा है क्या हाँ मतलब किसी ने एक बार बस ऐसे ही मतलब हाँ मैं बेस्ट प्लेयर हूँ सिर्फ गेम में बेस्ट प्लेयर हो या नहीं मैं हर जगह पे बेस्ट प्लेयर रियल लाइफ में किसी ने अभी तक ट्राई नहीं किया है जब ट्राई करेंगे तो दिखा देंगे वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर है के लिए हर गेम में ओके आई थिंक दैट्स इट और ना हो पाई चार सिंगल लौंडे जिन्होंने बहुत ही एफर्ट लगाया है आपको इंप्रेस करने के लिए ताली बजाओ एक दूसरे को बहुत सपोर्टिव है एक दूसरे के आप देख सकते हो कितना यूनिटी है इनके अंदर ठीक है सो आपको किसने इंप्रेस किया लास्ट वाले यूनिटी ये थोड़ा मुश्किल था लेकिन आई वुड लाइक टू चूज द लास्ट पर्सन आई इंटरव्यू दैट इज रेबल Alright, so we have the clear winner, Rebel. I guess मेरी नजर में तो सभी विनर है सबने बहुत अच्छा ट्राई किया फर्स्ट टाइम था इनका वैलेंटाइन ऐसा कुछ किया इन लोगों ने मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब